सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नॉर्मल फ्री फायर के बारे में कि नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग क्रोम ब्राउजर से कैसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर कैसे अपडेट कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। जैसे गाइस आप लोगों को पता है, हम लोग का जो नॉर्मल फ्री फायर है वो आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँगा फ्री फायर, तो आप लोग को यहाँ पर फ्री फायर मैक्स देखो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को नीचे देखोगे तो आप लोग को फ्री फायर जो होता है नॉर्मल वाला वो आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और जैसे आपको पता है फ्री फायर के अंदर OB41 का अपडेट आ रहा है। अपडेट के बाद आप लोग गेम को ओपन करो तो गेम ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट नहीं करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि नॉर्मल फ्री फायर को आप लोग क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कैसे कर सकते हो या फिर क्रोम ब्राउजर से अपडेट कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको आज की वीडियो अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतनी मदद चैनल मिलने पहली बार चैनल को अभी इतने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो नॉर्मल फ्री फायर को क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपने फोन के अंदर जो क्रोम ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से फिर आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। सर्च क्या करना है, आप लोग को लिखना है गेम कंसोल, जिस टाइप से मैंने लिख के सर्च किया सेम आपको इसी टाइप से लिख के सर्च करना है। जैसे आप लोग गेम कंसोल या फिर गेम्स कंसोल लिख के सर्च करोगे आप लोगों के सामने ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैंने दे दिया, आप लोग लिंक पे क्लिक करके सीधे वेबसाइट को ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आप लोगों को ना ऊपर के साइड देखो यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, ठीक है। इस ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है OB, ठीक है, OB41, क्योंकि हम लोग का OB41 का भी अपडेट आने वाला है, तभी OB41 लिख के सर्च करना। OB41 लिख के जैसे आप लोग सर्च करोगे आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा पोस्ट मिल जाएगा OB41 का, आप लोग को ये वाला पोस्ट पे क्लिक करना है, नॉर्मल फ्री फायर अपडेट OB41 कैसे करें, ठीक है। ये जो पोस्ट देख रहे हो इस पोस्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पोस्ट पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने तो कुछ स्टेप्स एंड फिर आ जाएगा, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एक साइड आ जाना है, ठीक है। आप लोगों को करना क्या कि स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे एक साइड आ जाना है, ठीक है। नीचे एक साइड आने के बाद आप लोग को यहाँ पर मिलेगा फ्री फायर मैक्स, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। फ्री फायर मैक्स को अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही आप लोग प्ले स्टोर पे आ जाओगे और प्ले स्टोर से आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड या फिर अपडेट कर पाओगे, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। बात करें नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करने के लिए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, फिर से उस वेबसाइट के अंदर आना है। वेबसाइट के अंदर आने के बाद इसको अपडेट करते हुए नीचे एक साइड आप लोग को आ जाना है, ठीक है। नीचे एक साइड आओगे आप लोग को यहाँ पे मिलेगा फ्री फायर OB41 अपडेट और नीचे देखो मिल जाएगा कमिंग सून, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग का जो अपडेट आएगा वो आप लोग को 10 तारीख को आएगा, ठीक है। तो 10 तारीख को ही आप लोग को यहाँ पर डाउनलोड का जो बटन होगा वो शो हो जाएगा कुछ इस टाइप से, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फायर OB40 अपडेट और नीचे देखो डाउनलोड का बटन है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो अभी कमिंग सून आ रहा है, यहाँ पे भी डाउनलोड का बटन आ जाएगा और जैसे आप लोग डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग जो होता है टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और 30 सेकंड वेट करने के बाद आप लोग के फोन के अंदर एक जो फ्री फायर होता है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग OB41 का जो फ्री फायर है उसको डाउनलोड कर पाओगे, उसको अपडेट कर पाओगे, जो कि इजी तरीका था जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। अगर गाइस आपको ये तरीका अच्छा लगा या फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब भी कर देना, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला डाउनलोड करते हो अभी जो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग अभी के जो फ्री फायर है ना, अभी जो नॉर्मल फ्री फायर जो चल रहा है हम लोग OB40 वाला, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको दिखा भी देता हूँ कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। बस यहाँ पर टाइमिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग खत्म होती है देखिए आपके सामने कुछ स्टेप्स आ जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके फोन के अंदर जो नॉर्मल फ्री फायर होगा वो डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोन के अंदर नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, जो कि काफी ईजी तरीका था। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, सब तक के लिए बाय बाय, चैन वंदे मातरम।